अब हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। अगर तुम चाहती हो कि हम गर्व के ऑपरेशन के पैसे दें, तो तुम्हें गर्व की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा। नहीं मालकिन, हमसे नफरत करने के चक्कर में अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। खतरे में तुम्हारी वजह से है उसकी जान। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, बर्बाद हो गया हमारा बेटा। तुम उसकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा हो जिसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में रहोगी उस पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तुम्हारा उसकी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी है मालकिन। वो डॉक्टर साहब आए थे, कह रहे कि गर्व जी कोमा में चले गए। और अगर हमने जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया ना, तो उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज जल्दी चलिए। हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए। मंजूर है? मालिक, हम जानते हैं आप बनारस की सबसे बड़ी व्यापारी हैं, लेकिन अपने बेटे की जान खतरे में होने के बावजूद आप सौदा करेंगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। जब से तुम हमारे बेटे की जिंदगी में आई हो, वो तो हमारा रहा ही नहीं। इसे हमारी जिद समझ लो, पर तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना ही होगा। और हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तुम क्यों हो इस रिश्ते में, जबकि तुम जानती हो गर्व तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। उनका चेहरा हमारे लिए सांसों की तरह है। मालकिन, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। घर चीख को आपसे मत अलग होने दीजिए, हम मर जाएंगे। तो तुम नहीं मानोगे? ठीक है, तो फिर कर लो 15 लाख रुपए का इंतजाम कहीं से और बचा लो घर को। हम तैयार हैं, जी की जिंदगी में हम कभी वापस नहीं आएंगे। अपनी खुशियां अपने सुहाग को छोड़ने के लिए तैयार। नहीं आएंगे हम उनकी जिंदगी में वापस, पर आप उनको बचा लीजिए। हम ऑपरेशन के पैसे देकर आते हैं। एक मिनट, कल अगर गर्व ठीक हो गया और तुमने अपना इरादा बदल दिया तो कल को तुम फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, तुम्हें ये सब कुछ एक कागज पर लिख कर देना होगा अपने दस्तखत के साथ। बोलो, मंजूर है? लिख कर दो,
के गर्व की जिंदगी में वापस कभी नहीं आओगी। गर्व की शक्ल तक नहीं देखोगी तुम। ये सब लिखकर दस्तखत करके दो। इस रिश्ते को नाम दे दिया मैंने, बदल दी गौरी की किस्मत। अब ये सिर्फ आपकी गौरी नहीं, ये मेरी पत्नी है, गौरी गर्व अग्रवाल। मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं, लेकिन तब जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। हमें पता था हमें धोखा दोगी तुम। अगर गर्व को कुछ हुआ तो यह समझ लो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। हमें मंजूर, हम कभी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे, कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप उन्हें बचा लीजिए। बचा लीजिए मालकिन। बहुरिया घर से बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब हमारा राज तो कोई भी नहीं खोल पाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए हम मोहन को ढूंढ लेते हैं। पैसे जमा कर दिए जी? पैसे तो हमने भर दिए, पर डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा है कि वो गर्व को बचाने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर गौरी कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? गौरी गर्व अग्रवाल अपने पूरे होशो हवास में ये स्वीकार करते हैं कि हम गर्व जी को अपनी मर्जी से
किसी को अपनी मर्जी से तलाक दे रहे हैं। जिसका कारण हमारे पति श्री गर्व अग्रवाल का हमें धोखा दे देना। हम अपनी जिंदगी को उनके साथ बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए उनसे खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है। इस तलाक के बदले में हमें शकुंतला जी से 2 करोड़ रुपए। परिवार के नाम में आपसे 2। की रकम गुजारा भत्ता के तौर पर ली है, जो हमारा हक है। हम वादा करते हैं कि हम गर्व अग्रवाल की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे और कभी भी किसी भी हालात में उनकी जिंदगी में वापस नहीं लौटेंगे। आप ऐसा मत कीजिए। साइन करो। गर्व का ऑपरेशन रुकवा देंगे, साइन करो। आज के बाद अगर तुम हमारे गर्व के आसपास भी नजर आए तो हम खुद की जान ले लेंगे और लिख कर जाएंगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम जैसे नाली के कीड़े को इतने दिनों तक बर्दाश्त किया हमने। आज के बाद हमारे बेटे हमारे परिवार की आस पास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट। हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। Yeah.
ऐसी हालत में गौरी का गर्व के पास होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। आपने हमसे हमारा प्यार छीन लिया, ससुराल छीन लिया, सुहाग छीन लिया। हम भले ही उनके साथ होना हो, लेकिन ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सुहाग, ये सारी निशानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगर आपके अंदर हमारे लिए थोड़ी सी भी दया बची है, हमारे सुहाग की जान बचा लीजिए। हर बार हमें मुसीबतों के मझधार में छोड़ा है, लेकिन इस बार हम बीच मझधार में नहीं रहेंगे। इस बार हम अपने गर्व जी की जान आपसे छीन कर रहेंगे। हम ये घंटियां तब तक बजाएंगे जब तक आपके कानों में इसकी गुहार नहीं पहुंचती। हे भोलेनाथ, हमारे गर्भ की रक्षा करना। सकू को मोहन के बारे में पता चल जाए, हमें मोहन को ढूंढना होगा। कीजिएगा, एक्सीडेंट हुआ है इनका, लावारिस लाश मिली थी इनकी। लावारिस नहीं है ये, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। अमृत
मुझे गिरता टुकड़ा है। आप जानती हैं ना? नहीं, अगर हम यहाँ बोल देंगे कि ये हमारा मोहन है तो सकू को पता चल जाएगा। नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इसे, पर किसी माँ का बेटा तो है ना ये। जाओ, जाओ सब लोग यहाँ से जाओ। किसी माँ के जिगर का टुकड़ा तो है ये। ये घड़ी तो गर्व की है। ये का मतलब गर्व ने हमसे हमारा मोहन छीना। गर्व की गाड़ी से हमारा मोहन कुचला। तुझे यमराज तक तो पहुंचा कर ही रहेंगे हम, तो उसे बदला लेकर ही रहेंगे हम। हम तो उसे अपना बदला जरूर लेंगे। हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे घर, नहीं छोड़ेंगे, जितने दुख तूने सहे ना मोहन, उससे दुगने दुख उसे दूंगी, उसे दुगने दुख मैं गर्व को दूंगी। बद से बदतर मौत लिखूंगी उसके नसीब में, बद से बदतर मौत लिखूंगी। छोटी माई यहाँ क्या कर रही है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.